लेफ्ट विंग ऑफ फ्यूचर पायरेट किंग, मिस्टर प्रिंस, द जर्म ऑफ फेलियर। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सांजी। एक चीज़ जो काफ़ी वेटरन वन पीस फैंस के बीच सुनने मिलता है सांजी को लेके, आई एम श्योर तुमने भी ये किसी ना किसी के मुंह से सुना ही होगा, किसी ना क्या भाई मेरे ही मुंह से सुना होगा, कि सांजी इज़ द बेस्ट स्ट्रॉ हैट, नॉट द मोस्ट फैन फेवरेट बट बेस्ट एज अ कैरेक्टर। बहुत लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ सांजी को पूरे वन पीस का ही बेस्ट कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वर्सिटैलिटी, बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ? नहीं, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि मोस्टली हमें डब्ल्यू सी आर्क में देखने मिली थी। लेकिन बहुत शायद ये चीज़ कभी समझ ही नहीं पाई कि कैसे डब्ल्यू सी आर्क ने सांजी को शेप किया एज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, हाउ डब्ल्यू सी आर्क मेड सांजी द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ वन पीस, और एटलीस्ट वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ वन पीस। मांगा स्पॉयलर्स थोड़े से मिल सकते हैं, तो संभल के एंड शुरू करते हैं मेन वीडियो। लेट्स बिगिन। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द बार्गेन स्ट्रीट। द बार्गेन स्ट्रीट एक काफ़ी अच्छा एंड यूनिक ऑनलाइन अपैरल स्टोर है। यूनिक क्यों? क्योंकि इधर पर तुम्हें काफ़ी प्रोडक्ट्स में बार्गेन करने का ऑप्शन मिलता है। येस, यू कैन लिटरली नेगोशिएट फॉर द प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर मेन एंड वुमेन दोनों के ही काफ़ी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, हुडीज, जॉगर्स, सनग्लासेस, हैंड बैग्स, यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है, वो भी डिफरेंट वेराइटीज़ में। यहाँ पर तुम्हें एनमे, मार्वल जैसों के भी मर्च मिल जाएगा, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में। प्लस तुम बार्गेन कर सकते हो उसमें भी, विच इज़ अ बिग चेरी ऑन द केक। इज़ दिस स्टोर जेन्युइन? 100%। यू कैन कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन देम। दे इवन प्रोवाइड कैश ऑन डिलीवरी सर्विस, एंड अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होता भी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम वाया देयर मेल और कस्टमर सर्विस नंबर। बट वॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स? अगेन, इट्स टॉप नॉच क्वालिटी, तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इफ़ यू आर एन एनिमे फैन लाइक मी, देन यू शुड ऑल्सो फॉलो देयर इंस्टाग्राम, जहाँ पर ये तुरंत अपडेट देते हैं जैसे ही ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, स्पेशली एनिमे रिलेटेड प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिप्शन में इनके वेबसाइट एंड इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मिल जाएगा तुम्हें, डू चेक दम आउट। एंड वन पीस फैंस के लिए ही इन्होंने रिसेंटली एक वन पीस का भी टी शर्ट लॉन्च किया है, जिसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, एक टिप मेरी तरफ से, साइज चार्ट देख के ही प्रोडक्ट ऑर्डर करना। गो एंड गेट सम ग्रेट क्वालिटी मर्च फ्रॉम द बार्गेन स्ट्रीट। बिफोर डब्ल्यू सी आई आर्क, डू यू रिमेंबर द टाइप ऑफ कैरेक्टर सांजी वॉज? ठरकी, स्ट्रॉन्ग, कूल बंदा था वो। बट सांजी एक ऐसा वीकनेस लेके चलता था ना, कि वो उसके लिए बहुत नुकसान करने वाली चीज़ थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज मोरल्स, ठीक है? वुमेन को नहीं मारना एंड हाथ नहीं यूज़ करना फाइट में, समथिंग विच इज़ क्वाइट कूल इन माई ओपिनियन। बट द मेन प्रॉब्लम विद सांजी वॉज कि वो हमेशा दूसरों को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटाइज करता था। दिस वॉज वन ऑफ द फ्लॉप सांजी। कुछ भी हो जाए, वो खुद से पहले दूसरों का सोचता था, कुछ ज़्यादा ही। सांजी लिटरली ऐसा सोचता था कि अगर उसके सैक्रिफाइस से बस दूसरे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे तो उसका सैक्रिफाइस वर्थ इट है। बराती में सांजी लूफी के साथ जाने से मना कर दिया था क्योंकि वो जेफ को प्रायोरिटाइज कर रहा था। इवन तो उसका ड्रीम था ऑल ब्लू वाला, ही वॉज रेडी टू सैक्रीफाइस इट। जोरो जब कुमा के सामने पेन लेने के लिए रेडी था, तब भी सांजी कूद गया था कि तू मत ले, मैं ले लेता हूँ। इवन वेन उसकी हालत एज कम्पेयर टू जोरो बहुत ख़राब थी, भाई जोरो एटलीस्ट कांप तो नहीं रहा था कुमा के सामने। होल केक आइलैंड में भी खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था सांजी, वो भी क्यों? ताकि लूफी बिग मॉम का एनिमी ना बने। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वॉज दिस बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इशूज? नहीं, सांजी का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो अपनी क्रू पर ट्रस्ट नहीं करता था। सांजी बहुत ट्रस्ट करता था अपनी क्रू पर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बट सांजी को हमेशा अपने क्रू मेट्स के लॉस का डर था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड ट्रॉमा। बचपन में सांजी के लिए उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी माँ सोरा, सोरा के लिए ही उसने कुकिंग चालू किया था, एंड शी वॉज दी ओनली वन हु ट्रीटेड हिम द राइट वे। सोरा लव्ड सांजी एंड सांजी ऑब्वियसली लव्ड सोरा द मोस्ट, इसलिए जब सोरा की डेथ हुई सांजी लिटरली टूट गया था। एंड वहाँ से सांजी किसी क्लोज्ड वंस के लॉस के आइडिया से ही डरने लग गया। सी, ऐसा नहीं है कि बाकी स्ट्रॉ हैट्स दूसरों को प्रायोरिटाइज नहीं करते, भाई जोरो ने अपने प्राइड को साइड रख के मिहोक से भीख मांगा था भाई जस्ट फॉर लूफी। बट जोरो या फिर कोई और भी स्ट्रॉ हैट्स अपने क्रूमेट्स के लॉस को इमेजिन करके डरने नहीं लग जाते, राइट? सांजी लेकिन ऐसा ही करता था। एंड सांजी के ऐसा करने का एक और रीज़न था कि वो खुद को एक फेलियर मानता था। जज दल्ले और उसके भाइयों के चक्कर में सांजी भी खुद को एक फेलियर मानने लग गया था, इसलिए ही स्टार्टेड थिंकिंग शिट थिंग्स लाइक मुझ जैसे फेलियर के सैक्रिफाइस से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल आई लव आई मस्ट सैक्रिफाइस माई सेल्फ। यू थिंक सांजी वॉज थिंकिंग इन अ स्टूपिड वे?
यस सांजी वॉज थिंकिंग इन अ स्टूपिड वे भाई, उसका ट्रॉमा ही ऐसा था, बट लूफी ही मेड सांजी रियलाइज कि उसके सेक्रीफाइस के बाद भी उससे अगर लगता है कि क्रू को प्रॉब्लम नहीं होगा तो ऐसा नहीं है. लूफी मेड सांजी रियलाइज दैट ही इज़ नॉट द फेलियर, एटलीस्ट नॉट फॉर द स्ट्रॉ हैट क्रू. लूफी मेड सांजी रियलाइज दैट ही इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्ट्रॉ हैट्स जस्ट लाइक अदर मेम्बर्स, एंड विदाउट हिम देर इज़ नो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स. सांजी ने एक ऐसा चीज़ सीखा WSI में जो शायद उसके कैरेक्टर के लिए सीखना सबसे इंपॉर्टेंट था, टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, टू नॉट डिसाइड फॉर अदर्स. सांजी एक्सेप्टेड दैट दिस न्यू फैमिली ऑफ हिज नीड्स हिम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही नीड्स देम. इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सांजी चेंज हुआ. पता है सांजी को बहुत लोग इंक्लूडिंग मी सबसे बेस्ट कैरेक्टर क्यों मानते हैं वन पीस का? बिकॉज हिज कूल, बिकॉज हिज बैड एस, बिकॉज ऑफ हिज मोरल्स? नाह, बिकॉज ही चेंज्ड हिमसेल्फ इंटू अ बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ. वानो में वी सॉ द न्यू सांजी, द सांजी हु क्राइड फॉर रॉबिन्स हेल्प विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस, द सांजी हु डिस्ट्रॉयड हिज जर्मा सूट विदाउट हेजिटेशन, द सांजी हु रिजेक्टेड हिज विंसबोक पावर्स. यहाँ पर अगर पुराना सांजी होता ना तो वो रॉबिन की जान को खतरे में नहीं डालना है बोल के लास्ट तक डैक मारिया से पिट रहा होता, एंड वो ये विंसबोक पावर्स को एक्सेप्ट कर लेता अगेंस्ट हिज विल जस्ट फॉर द सेक ऑफ लूफीज ड्रीम. बट सांजी मैन, he didn't do so because he now knows that his or anyone's sacrifice is not something Luffy as well as other Straw Hats wants or recognizes as an important thing, and he now accepts what he is proudly. But then many people say ki Oda Sanji ko as a character izzat nahi karte ya fir wo Zoro ko Sanji se zyada prioritize karte hain. I totally disagree with them bhai. Like name me one character jisko Oda ne is level ka development diya hai bhai. Oda made Sanji a complete character. तुम्हें मैं एक चीज़ बताते हैं, सांजी बिफोर WSI आर्क मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था भाई, सबसे बेकार लगता था, एंड वही सेम रीज़न थे भाई, हद ठरकी और क्रिंजी हरकतें करना एंड ऑल दैट. भाई आज भी मेरे को फुद्दू लगता है सांजी उस रीज़न से, बट फिर भी WSI आर्क के बाद सांजी बिकेम माई थर्ड फेवरेट स्ट्रॉ हैट भाई, 10th से सीधा 3rd. एंड हैव यू एवर रियलाइज्ड कि ओडा ने सांजी के डेवलपमेंट को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए एक ऐसा टैक्टिक यूज़ किया जो उन्होंने और किसी कैरेक्टर के लिए यूज़ नहीं किया है? मेरे पे एग्जैक्ट शब्द नहीं है इस टैक्टिक को सीधी तरीके से समझाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाता हूँ इटाची का. हाँ, नारुतो वाले इटाची. इटाची इज़ नो डाउट द बेस्ट कैरेक्टर ऑफ नारुतो. चलो इस पे कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं, बट इस चीज़ से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि इटाची का कैरेक्टर पूरे नारुतो सीरीज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था. डू यू नो व्हाई? क्योंकि व्हाट किशिमोतो डिड विद इटाची वॉज कि उन्होंने पहले इटाची को एक हद दलिदर विलन बना के रखा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आफ्टरवर्ड्स उन्होंने इटाची से रिलेटेड एक ऐसा इन्फो प्रोवाइड किया हमें, एक बहुत बड़ा इन्फो, कि हमारा ओपिनियन टूवर्ड्स इटाची पूरा चेंज हो गया. अब इमेजिन अगर किशिमोतो इटाची को एज अ विलन नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही एज अ हीरो दिखाते तो क्या उसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता फैंस पर? नहीं. ये सेम चीज़ सांजी के साथ भी हुआ है. ओडा ने सांजी को आफ्टर टाइम्स के पूरे स्ट्रॉ हैट्स का सबसे यूजलेस एंड अनोइंग कैरेक्टर बना दिया था. वो बंदा वर्गो से लड़ने गया था और पिट किया गया था, डॉफी से थोड़ा सा भीड़ा था और पिट किया गया था. सांजी को ना ही ओडा ने शाइन करने का मौका दिया था और उल्टा उसकी फुद्दू हरकतें भाई दिखाई, जैसे नाक से खून निकलने वाले हरकतें एंड ऑल दैट पत्थर बनने वाले सीन्स. इसलिए जब ओडा ने अचानक से इस बेकार कैरेक्टर को एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क दिया, the impact of that character arc on fans was more than what it should have been. WCI was just something Sanji needed, and Oda, he pulled Sanji's character arc in the best way. He gave Sanji one of the best past. हाँ, Sanji का past भी एक काफ़ी बड़ा reason है कि क्यों वो मुझे और बहुत fans को पसंद है. Tragic तो था ही उसका past, but उस past को देखते time I was unconsciously comparing the child Sanji with the Sanji that we first saw in Barathi. भाई इतने emo kid का transformation into such a bright and turkey character, that was rare. Oda transformed Sanji and okayish character into the best character of One Piece. The overall writing of Sanji, bhai, too good bhai. One of the reasons why I like Oda as a mangaka bhai. WCI mein bhai phoda hai Oda ne literally. And yeah, I guess that's it. Is topic pe mujhe video banana tha kaafi lambe time se. I hope tumhe sab samajh aa gaya hoga ki kaise WCI arc ke through Oda ne Sanji ko best character banaya. I tried my best to explain it to you in the easiest way possible. And chalo, main nikalta hai. Video pasand aaya to you can like the video, subscribe my channel if you want to. दी बार्गेन स्ट्रीट को चेकआउट करना मत भूलना, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में ही आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय.